तो आपका ऑनलाइन बिजनेस है और आपको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, आपका स्टोर सोशल मीडिया पे सुपर पॉपुलर भी है, सेल्स ऑर्डर है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और आपको अचानक रियलाइज हुआ कि प्रोडक्ट तो आउट ऑफ स्टॉक है। आप रॉ मटेरियल की भी शॉर्टेज फेस कर रहे हो, पैकेजिंग मटेरियल भी मिसिंग है, पर आपको तो लगा था ये सब आपके पास ऑलरेडी है। घबराइए नहीं, आपकी बस एक सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हाय, मैं हूं नील और आज के वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ध्यान से समझेंगे और उसे आराम से ठीक भी करेंगे, जिससे आप अपना ऑनलाइन स्टोर एक वेल ऑयल मशीन की तरह चला सकें। तो शुरू करते हैं। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? इन्वेंट्री एक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है। एक एग्जांपल से देखते हैं। मानो आप एक टेक्सटाइल बिजनेस चला रहे हो, आपके पास 5 टी-शर्ट्स हैं, 10 जीन्स हैं, 8 ब्लाउजेस, 7 जैकेट और 10 ब्रीफ्स। ये हो गया बिजनेस की इन्वेंट्री आइटम टाइप और क्वांटिटी के हिसाब से। बिजनेस के हर स्टेज पे इन्वेंट्री मैनेज करने और गौर से ट्रैक करने को ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है। एक बिजनेस के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट जनरली 3 स्टेजेस में होती है। पहला, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से इन्वेंट्री खरीदना, ये रॉ मटेरियल, सेमी फर्निश्ड या रेडी टू सेल गुड्स हो सकते हैं। दूसरा, आप इन्वेंट्री को वेयरहाउस या स्टोर रूम में स्टोर करते हैं जब तक इन्वेंट्री को अगले स्टेज तक ना ले जाना पड़े। तीसरा, आप ऑर्डर फुलफिल करने के लिए इन्वेंट्री बेच देते हैं, ये वो स्टेज है जब आप अपनी इन्वेंट्री से प्रॉफिट बना लेते हैं। सही इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आपकी स्टॉक की विजिबिलिटी बढ़ सकती है। आपको किसी भी समय पर आइडिया रहेगा कि आपका प्रोडक्ट ओवर स्टॉक्ड है या अंडर स्टॉक्ड, किसी प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है और किस प्रोडक्ट को सही से हैंडल करने की जरूरत है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप खुद कर सकते हैं एक्सेल शीट्स की मदद से, जो कई सारे बिजनेसेस ऑलरेडी करते भी हैं। ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री थोड़ी कम रहती है और इससे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट बिल्कुल ना बराबर हो जाता है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा और इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी संभालने के लिए, एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रखना ज्यादा स्मार्ट चीज है। आप एक एक्सेल शीट चूज करो या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लेकिन कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली टेक्निक है ABC एनालिसिस। इस टेक्निक में आप इन्वेंट्री को 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हो, उनकी वैल्यू, डिमांड, एक्सपायरी डेट, रिस्क इत्यादि के हिसाब से। आप अपनी इन्वेंट्री को किसी भी तरीके से ग्रुप कर सकते हो। मान लो आप वैल्यू के हिसाब से ग्रुप करते हो, तो ग्रुप ए में आएंगे आपके सबसे वैल्यूबल प्रोडक्ट्स, ग्रुप बी में आपके एवरेज वैल्यू प्रोडक्ट्स और ग्रुप सी में सबसे कम वैल्यूबल गुड्स। मान लो आप हैंडबैग बिजनेस चला रहे हो, तो आप इन्वेंट्री को कैसे क्लासिफाई करोगे? ग्रुप ए, इसमें आएंगे आपके तुरंत बिकने वाले हैंडबैग्स, ये करंट सीजन में ट्रेंडिंग होंगे और आपके लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ग्रुप बी, इसमें आएंगे वो हैंडबैग जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, भले ही वो उतना रेवेन्यू ना जनरेट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनकी डिमांड बढ़ेगी और इसलिए उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ग्रुप सी, इसमें वो सारे हैंडबैग्स आएंगे जो आपके बिजनेस में ज्यादा वैल्यू या रेवेन्यू नहीं ऐड कर रहे हैं। दूसरी टेक्निक का नाम है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। इस टेक्निक में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऐसे स्ट्रीमलाइन किया जाता है कि आउटडेटेड स्टॉक्स वेयरहाउस से जल्दी खत्म हो सके। इसमें इन्वेंट्री को जस्ट इन टाइम प्रोडक्ट शेड्यूल के लिए ऑर्डर किया जाता है। इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आप ज्यादा टाइम के लिए ढेर सारे प्रोडक्ट्स को स्टॉक अप करके नहीं रखते। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप फर्नीचर बिजनेस ओन करते हैं, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मेथड से आप मैन्युफैक्चरर को फर्नीचर का ऑर्डर तभी दोगे जब कस्टमर ने आपसे वो फर्नीचर खरीदा हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वो टेक्निक है जिसमें इन्वेंट्री पहले स्टॉक होती है और उसे पहले बेचना चाहते हैं। ये टेक्निक उन प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ट है जो पेरिशेबल होते हैं या एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, जैसे कि ग्रोसरीज। एक ग्रोसरी स्टोर चलाते वक्त आप दूध, मीट इत्यादि को जल्दी निकालना चाहोगे, क्योंकि इनकी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी। उसी तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वो टेक्निक है जिसमें आप इन्वेंट्री जो लास्ट में आती है उसे पहले निकालना चाहते हैं। ये नॉन पेरिशेबल आइटम्स जैसे क्लोदिंग, डेकोर, ज्वेलरी इत्यादि के लिए सही टेक्निक है। ये फैशन स्टोर के लिए सही एप्लीकेबल टेक्निक है, क्योंकि आप लेटेस्ट आए हुए कपड़ों को प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि उनका ट्रेंड है और आप उन ट्रेंड को कैश इन करना चाहते हो। चौथी टेक्निक है परपेचुअल इन्वेंट्री टेक्निक। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट परपेचुअल यानी कि लगातार चलता रहता है। जैसे ही इन्वेंट्री वेयरहाउस में आती है, उसे तुरंत गिनकर, कैटेगराइज कर शेल्फ करके डॉक्यूमेंट करते हैं और ये डेटा हर ऑर्डर साइकिल के बाद अपडेट किया जाता है। जैसे एक ज्वेलरी बिजनेस को देख लो, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड से जैसे ही आपका स्टॉक आएगा, आप उसे कैटेगराइज करोगे इयररिंग्स, नेकलेसेस, रिंग्स, ब्रेसलेट्स इत्यादि में। फिर आप ज्वेलरी टाइप के साथ साथ उसकी गिनती, उसका कलर और उसका बाकी हिसाब भी रखोगे। ये डेटा हर बार अपडेट होगा जब भी आपका कस्टमर कुछ खरीदेगा और ऑर्डर कंप्लीट होगा। अब बारी आती है आखिरी टेक्निक की, तो हमारे साथ बने रहिए। पांचवी टेक्निक है मटेरियल्स रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग या MRP मेथड। ये सबसे पुरानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें इन्वेंट्री को डिमांड फोरकास्ट के हिसाब से प्लान और मैनेज किया जाता है। इस तरीके से आपके पास हमेशा सही टाइम पे सही जगह सही प्रोडक्ट्स रहेंगे। मान लो आप एक बुटीक स्टोर चला रहे हैं, MRP मेथड से आपके पास लिस्ट रहेगी रॉ मटेरियल्स, कपड़ों के टाइप की, क्वांटिटी की, और आप नोट डाउन करेंगे बाकी डिटेल्स जैसे स्टिचिंग टाइम, क्वालिटी चेक टाइम इत्यादि को।
फिर कंप्यूटराइज सिस्टम आपके स्टॉक्स को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हैंडल कर लेगा। ऐसे कई सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो बताए गए मेथड से ही आते हैं और जिनका काम है स्टॉक की अच्छी विजिबिलिटी देना, वर्कफ्लो एफिशिएंसी बढ़ाना, ऑर्डर साइकिल सही से मैनेज करना और बिजनेस में आने वाली सारी अड़चनों को कम करना। याद है मैंने शुरू में कहा था कि ये सब करने के लिए आपको एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अच्छी खबर ये है कि मॉडर्न ई-कॉमर्स ऐप जैसे कि दुकान की मदद से आपको किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ दुकान ऐप में ही बिल्ट इन मिलेगा। जब भी आप दुकान ऐप पर प्रोडक्ट्स अपलोड करते हो आपको उसके साथ वेरिएंट्स ऐड करने का ऑप्शन आता है, साथ ही साथ उनके अवेलेबल यूनिट्स, उनकी प्राइस इत्यादि। जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करता है आपकी इन्वेंट्री अपने आप अपडेट हो जाती है। अगर आपको अपने वेरिएंट्स की इन्वेंट्री ऐड करनी है तो आपको अपने स्टोर सेटिंग्स में जाकर अपना एडवांस कैटलॉगिंग ऑन करना होगा। इसे देख के समझते हैं। मान लो आप प्रिंटेड टी शर्ट्स बेच रहे हो, जब आप इन प्रोडक्ट्स को दुकान स्टोर पर ऐड करते हो आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन मिलेगा जहां आप एंटर करोगे आपके पास कितने प्रिंटेड टी शर्ट्स हैं। फिर आप वेरिएंट्स ऐड करोगे उनके साइज के हिसाब से, स्मॉल 10 यूनिट्स, मीडियम 10 यूनिट्स और लार्ज उसमें भी 10 यूनिट्स। अब आपकी इन्वेंट्री पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड है और आपको दुकान डैशबोर्ड पर मिल जाएगी। मान लो कि कोई ग्राहक अब एक स्मॉल टी शर्ट का ऑर्डर प्लेस करता है तो स्मॉल टी शर्ट्स की क्वांटिटी इन्वेंट्री में अपने आप 10 से 9 हो जाएगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पर बिना कोई खर्चा किए आपका आपके स्टॉक पर पूरा कंट्रोल और विजिबिलिटी रहेगी। ऑर्गेनाइज रहने से आप ऐसे ही ढेर सारा समय और अननेसेसरी खर्चा बचा सकते हो। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपकी इन्वेंट्री और स्टॉक्स को ऑर्गेनाइज रखने का ही सारा खेल है। अगर आप अपनी सारी इन्वेंट्री को प्रॉफिट में बदल रहे हो बिना प्रोडक्ट्स को अंडरस्टॉक या ओवरस्टॉक किए तो ही आप अपना बिजनेस सही से चला रहे हो। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।